नमस्कार, बड़ी खबर में स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं, रुक कर लेते हैं खबरों का। तो बात पहले यूपी चुनाव की। जी हाँ, यूपी पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और ऐसे में कोहरे और ठंड के बावजूद जो है वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में मतदान में देरी, तो वहीं बताते हैं आपको कि आज यूपी में पहले चरण का मतदान यानी कि आज पहले चरण का मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और कोहरे और ठंड के बावजूद वोटर्स जो है अपना मत देने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में मतदान में देरी हुई है। तो यूपी में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा त्रिवेदी जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। कृष्णा जी, आप बताना चाहेंगे यूपी में वोटिंग का क्या हाल? देखिए अनन्या, 58 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 58 सीटों पर मतदान जो चल रहा है शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। हालांकि मतदान की जो रफ्तार है वो काफी सुबह के वक्त काफी धीमी नजर आई। सुबह 10 बजे तक करीब 8 फीसदी मतदान ही हो पाया, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे जैसे धूप खिलेगी और जैसे जैसे कोहरा छटेगा वैसे वैसे लोगों की लाइनें मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए नजर आएगी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पहले चरण का मतदान आज हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है जहां से किसान आंदोलन की जो आवाज थी, किसान आंदोलन उठा था और वहां से प्रदर्शन किसानों का शुरू हुआ था। तो ऐसे में यहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों ने गठबंधन किया है। किसानों के बीच आरएलडी का एक अच्छा वजूद माना जाता है। चौधरी चरण सिंह की पार्टी आरएलडी और उनके बेटे अजीत सिंह की पार्टी है। तो ऐसे में माना जाता है कि जाट और किसानों के बीच इस पार्टी का अच्छा खासा बाहुल्य है और अच्छा खासा वजूद है। तो ऐसे में अब ये 58 सीटों पर जो पार्टी है, इस 58 सीटों पर जो चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव काफी अहम हो जाते हैं भाजपा के लिए भी और सारे राजनीतिक दलों के लिए भी। इस पर 9 योगी सरकार की 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आज उन 9 मंत्रियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और जनता उनका फैसला कर देगी। लेकिन अब ये फैला अभी 6 चरण का मतदान और होना है, पहले चरण का ही मतदान है लेकिन काफी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। कहीं ना कहीं सभी नजर इस बात पर लगी रहेगी, किसान आंदोलन के बाद होने वाले इस मतदान का, किसान आंदोलन का असर इस मतदान को लेकर क्या पड़ता है। अनन्या जी, बहुत धन्यवाद कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल बता दें आपको कि यूपी में पहले चरण का मतदान जो है वो आज शुरू हो चुका है सुबह से ही और लगातार जो है वोटर्स वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। यूपी में कोहरे और ठंड के बावजूद जो है उसके बावजूद वोटर्स की जो है लंबी कतारें लगी हुई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में मतदान में देरी हुई है तो वहीं लगातार मतदान जारी है। और रुक करते हैं बदली घर का। सुशिता सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर।